अपन ना शिमला शिमला गए थे, शिमला वाली, पर वो रोड पे नहीं थी। नहीं वो तो अलग ही थी, तो लेकिन ट्रैक ही अलग था। हां वो रोड पे नहीं, यहां तो रोड पे ही चलती है शिमला वाली ट्रेन। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं रॉक गार्डन और रास्ता बेहद ही ख़राब है और पूरा स्लोप है, नीचे की तरफ स्लोप है और रास्ता बहुत ही ख़राब है। अभी हम आए हैं दार्जिलिंग के रॉक गार्डन में और रॉक गार्डन जा रहे हैं, रास्ता बेहद ही ख़राब है। दार्जिलिंग में हमने पहली बार देखा कि ट्रेन और कार साथ साथ चलती है, एक ही रोड पर ट्रैक लगा हुआ है, ट्रेन का ट्रैक भी लगा हुआ है और वहीं से पूरा ट्रैफिक भी जा रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, पर काफ़ी कंजस्टेड है और काफ़ी जो दार्जिलिंग है वो पूरा भर चुका है। अब हमको ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। दार्जिलिंग बहुत सुंदर जगह है और कल मॉर्निंग में जाने वाले हैं टाइगर हिल, तो हमें सुबह 4 बजे जगना है, तब हम सनराइज देख पाएंगे। पहुँच चुके हैं रॉक गार्डन, टिकट ले ली है, अब जाएंगे रॉक गार्डन में। और रॉक गार्डन सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खुलता है, तो अभी हम पहुँचे हैं, अभी 3 बजे हैं, तो रॉक गार्डन घूमते हैं। और रॉक गार्डन बहुत अच्छा है, लग रहा है काफ़ी भीड़ भी है वहाँ पर। अंश वो देखो गार्डन, वो देखो रॉक, वो देखो फूल, फूल तोड़ना मना है। डस्टबिन में डस्टबिन, यूज मी। रॉक गार्डन बहुत बड़े बीचों फैला हुआ है और जो आप झरना देख रहे हैं उसके पास जाके ऊपर ऊपर जाना पड़ता है, फिर वहाँ से नीचे आना पड़ता है, तो बहुत चलने का काम है। तो हम लोग तो अभी यहीं पर हैं और बच्चे तो भाग के चले गए रॉक गार्डन देखने के लिए। अभी हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं क्योंकि बहुत चढ़ाई है। जितना भी ऊपर चढ़ सकते हैं, पर हमारे पैर अब साथ नहीं दे रहे ऊपर चढ़ने के लिए। बच्चे पर ऊपर चढ़ चुके हैं, बच्चे ऊपर जा चुके हैं और हम लोग यहाँ बैठ के फोटो सेशन। गार्डन बहुत सुंदर है और बहुत बड़े बीचों फैला हुआ है, चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर व्यू है। दार्जिलिंग भी बेहद खूबसूरत जगह है, बट थोड़ा सा गार्डन को मेंटेन नहीं करके रखा, जैसे जो बेंच वगैरह टूट गई उनको रिपेयर वगैरह नहीं किया, वो टूटी ही पड़ी हुई है, तो इस तरह से थोड़ा सा उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं गवर्नमेंट। वहाँ की टिकट 20 रुपये है। अब हम वापस जा रहे हैं, रॉक गार्डन देख लिया है और शाम भी होने वाली है, तो टाइम पर अपने होटल में पहुँचना है। रास्ता भी बहुत ख़राब है, तो इसलिए हम लोगों ने बोला कि टाइम पर ही चले जाते हैं क्योंकि बहुत डेंजर रास्ता है वहाँ का। तो रोड है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है और बिल्कुल बारीक बारीक कंक्रीट ही बची है वहाँ पर, और स्लोप वाला रास्ता है, काफ़ी स्लोप है नीचे जाने के लिए। हमारे होटल से आधे घंटे का रास्ता है रॉक गार्डन के लिए, और हमारा होटल स्टेशन के पास है जहाँ से टॉय ट्रेन चलती है। ये दार्जिलिंग में बिल्डिंग बनी हुई है और मुझे काफ़ी पुरानी बिल्डिंग लग रही है ये। काम चल रहा है, कुछ भी गिर जाएगा। अच्छा एंटी पीस ये नीचे तकड़ा जा इंडिया
आइलैंड। अब हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में और उसके बाद फिर से फ्रेश होके पास में ही आउटिंग करने जाएंगे।